up ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the Gear Tales. मैं हूं दीपजीत और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में. Today it's 28th of August and अभी बज रहे सुबह के 8:30. And guys, I'm extremely sorry कल के वीडियो के लिए, because ऐसा हुआ था कि कल वेस्ट बंगाल में था रीजनल लॉकडाउन, जिसके चलते मैं निकल नहीं पाया था घर से. अभी हम लोग जहाँ जाने वाले हैं उसे मैं कहता हूँ Amazon Rainforest of North Bengal. अभी आपने शायद टाइटल में देख लिया होगा या फिर थंबनेल में देख लिया होगा ऐसा क्यों है, आपको पता भी चल जाएगा. एंड बाय द वे, जस्ट हैव अ लुक ऑन माय लेफ्ट. देख रहे हो, दिस इज लाइक इतना सुंदर गांव है. एक यहाँ पे सुपारी का बगान लगाया हुआ है, जैसे कि यू कैन सी. सुपारी अगर आपको मालूम नहीं है तो इंग्लिश में कहा जाता है बीटल नट, आप गूगल कर सकते हो. ये सब सुपारी का पेड़ है और एक मेजर क्रॉप है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सुपारी का एक्सपोर्ट होता है. जस्ट हैव अ लुक गाइस, सुबह सुबह एमडी रोड मिल जाए, इतना सुंदर सा दृश्य है यहाँ पे. अगर आप देखोगे तो खाली रोड, इतना अच्छा रोड है और बोथ साइड्स में आपको इतना अच्छा सीन मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको, है ना. बाय द वे, जैसे कि मैंने बताया, ये सब सेगुन कहा जाता है बंगाली में. ये यहाँ पे लगाया गया इन पेड़ को, और फर्नीचर में बहुत यूज़ होता है इन पेड़ का, ठीक है. तो जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू ऑल. वैसे अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं कल ही जाने वाला था, लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया कि आज तो लॉकडाउन चल रहा है, आज नहीं जा सकते. चलो कोई बात नहीं, कल का वीडियो आ चुका है, आज घर में जाके इसको एडिट करके डालना है, होपफुली हो जाएगा. और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं NH31C, जो मेरा कल का वीडियो था. NH31C इज़ माई प्ले ग्राउंड, वो मैंने इसी रोड पे शूट किया था. ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक. तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ पे हाईवे था, यहाँ पे फॉरेस्ट में कैसे आ गया डायरेक्टली. तो बात ऐसा है कि बीच में आता है एक डिफेंस का लैंड, सो आई डोंट प्रीफर शूटिंग दैट, रादर आई डिडंट प्रीफर शूटिंग दैट पार्ट. सो मैंने वहाँ पे पूरा कैमरा शट डाउन कर दिया था. सो कंटिन्यूज फ्रॉम दिस पार्ट. बाय द वे गाइस, दिस इज चिलापाता फॉरेस्ट, जिसे मैं कहता हूँ अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल. अभी रीज़न क्या है आप लोगों के सामने है, जस्ट देखो गाइस. एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो ना, आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग इस टाइम पे आओ. अभी बज रहे 8:49 AM इन द मॉर्निंग. तो 9 से 10 बजे के बीच में अगर आप लोग आओगे ना, तो ऐसा वाइब मिलेगा आप लोगों को. अगर इससे पहले आप लोग आओगे तो क्या होगा कि हाथी का डर रहता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग्स में वो लोग रोड क्रॉस करते हैं. तो जिसके लिए अगर आपको हाथी देखना है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग यहाँ पे आओ. वॉच टावर से यहाँ पे आगे एक रेंज ऑफिस आएगा, वहाँ पे आप जा सकते हो. वहाँ पे जाके आप उन लोगों से कांटेक्ट करो, सफारी है अवेलेबल, तो और वॉच टावर्स भी है, तो यू टू पे फॉर दैट एंड तब आपको हाथी दिखेगा वहाँ से, वॉच टावर से. एंड बाय द वे गाइस, इफ यू कैन सी दैट, दैट इज़ अ ट्री हाउस. ये पता है क्यों है, सो दैट दे कैन कीप एन आई ऑन द एलिफेंट्स, कि रात के टाइम को ना यहाँ पे बहुत एलिफेंट्स आते रहते हैं, और ऐसा ट्री हाउस आपको बहुत दिखेगा आगे. बेसिकली ये आउटस्कर्ट है फॉरेस्ट का, भी डीप जंगल में हम लोग घुसे ही नहीं है. जब हम लोग घुसेंगे ना, तो इतना जो भी सनलाइट आपको दिख रहा है रोड पे, वो सब भी दिखना बंद हो जाएगा, इतना डीप है फॉरेस्ट. इसीलिए मैं उसको बोलता हूँ अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल. एंड जस्ट लुक एट दैट गाइज, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट. और
और यहाँ पे काफ़ी होम स्टेज भी है। अगर आपको यहाँ पे एक वीकेंड स्पेंड करना है तो आप डेफिनेटली आ सकते हो। एकोमोडेशन और फूडिंग सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया। मुझे एग्जैक्ट प्रोसेस मालूम नहीं है, पर यस इट इज़ अवेलेबल, आप चेक कर सकते हो। बहुत फोरम्स है ऑनलाइन, आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग एंटर कर चुके हैं चिलापाता फॉरेस्ट के अंदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई वेलकम यू ऑल टू चिलापाता फॉरेस्ट, इन फेमसली नोन एज और रैदर आई कॉल इट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल। रीजन बींग ऑन योर स्क्रीन्स, जस्ट हैव अ लुक। वैसे ये तो कुछ नहीं है, आगे जाते रहेंगे और ये और डीप होता रहेगा। बीच में यहाँ पे एक ऑफ रोडिंग का पैच आता है, आगे थोड़ा सा रास्ता टूटा हुआ है, उसके आगे बिल्कुल रास्ता एकदम बटर स्मूथ है। इसको टैकल कर लेते हैं बस, उसके बाद आराम से राइड करेंगे। ऑल राइट, सो अभी हम लोग घुसने वाले हैं डीप जंगल के अंदर। आप जस्ट देखो गाइज, आप जस्ट देखो, व्हाट इज दिस, देख रहे हो ना? हाँ, ये है बात। आई प्रे कि कुछ ना हो मुझे, और इनफैक्ट समझ रहे हो ना, इतना डीप जंगल है, कभी कभी डर लगता है भाई अकेले निकलने में ना, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स का टेरिटरी है। आई एम इनफैक्ट इंट्रूडिंग और पासिंग थ्रू देयर लैंड, सो आई शुड बी वेरी केयरफुल। आप लोग एंजॉय करो, जस्ट हैव अ लुक गाइस, जस्ट हैव अ लुक। इनफैक्ट एक काम करता हूँ, मैं इस वीडियो को यहाँ पे कट करता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लेट्स एंड द पार्ट वन ऑफ चिलापाता फॉरेस्ट हेयर, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं पार्ट टू। ऑलराइट, सो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है, यू नो योर ड्रिल, हिट लाइक। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। यू नो बहुत अच्छा लगता है जब आपको पता होगा कि मैं वीडियोज अकेले शूट करता हूँ, एडिट भी अकेले करता हूँ, और जब अपलोड करने का बात आता है तो ओके माय डियर फ्रेंड। और जब अपलोड करता हूँ तो मैं मोबाइल डेटा से अपलोड करता हूँ, तो इतने सब एफर्ट्स के बाद जब मैं घर जाके देखता हूँ कि एक सब्सक्राइबर बढ़ा है, एक लवली सा कॉमेंट आया, बाय द वे फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो मुझे, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर माई वर्क, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप लोग सपोर्ट करते रहो मुझे और इनक्रेज करते रहो, और मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, डिसलाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है, ऑल्सो फील फ्री टू यूज़ द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, सो दोस्तों मैं पार्ट वन को यहाँ पे करता हूँ क्लोज, ठीक है, पार्ट टू यहाँ से कंटिन्यू होगा। ऑलराइट, चलो बाय बाय।